कार्रवाई शुरू की जाए। मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? जो कार्टूनिस्ट का जो दिल होता है बाला साहब, वो बड़ा उदार दिल होता है, बड़ा इमोशनल होता है कार्टूनिस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, कार्टूनिस्ट होता है, उसमें इमोशन कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, इमोशन क्या होता है, वो न्यूज पर आधारित होता है, जैसे न्यूज वैसा कार्टून। उसमें कोई कविता, उसमें कोई आर्ट, उसमें कोई कल्चर? आर्ट ही है ना, आर्ट ही, इट इज एन आर्ट, यस, कैरिकेचरिंग इज एन आर्ट। बाला साहब, जब आपने 1966 में 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी, तो उस समय आपने कहा था कि ये इसलिए सेना बनाई जा रही है कि महाराष्ट्रियन को सेकंड क्लास का दर्जा मिल रहा है, और आज 26 साल बाद भी जो आपकी पॉलिटिक्स है वो इसी सेकंड क्लास सिटीजनशिप पर आधारित है। आज आप कहते हैं कि हिंदुओं को इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। पहले गुजरातियों पर आपका हमला था, साउथ इंडियंस पर हमला था, आज मुसलमानों पर है। आपने जो कहा कि पहले गुजराती के बारे में मैं ये था और अभी मैं मुसलमानों के दुश्मन हो या खिलाफ हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड। सवाल यह है कि जो जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझेंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। मैं जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं, तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले दूसरे का मानना पड़ेगा, ये देश में है वो देखना पड़ेगा। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और कितने अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था। और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है, नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, इसे कैसे वो नहीं, तो बड़ी शर्म की बात है। और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में जो रेस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है, जबरदस्ती अपना धर्म की यही चीज हमें बड़ी मंगी पड़ी, यही चीज हम नहीं मानता। अभी जब उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर वो जो है वो है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो ये सवाल भी नहीं उठता। बाला साहब, आप समझते हैं कि हथियार का जवाब हथियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए पंचा पहन के हाथ में डंडा लेके बकरी ले जाता था तो उसका अफजल खान होता। मगर उन्होंने पहचाना कि मेरा दुश्मन कैसा है, तभी उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके उस सामने गया, इसलिए बच गए। और कहीं हमें कोई ऐसा सुख शांति से हम नहीं सो सकते ना रह सकते, तभी क्या करो। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ नहीं, पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं, इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हैं? क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम?
ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे दुख भी होता है, कभी कांटा भी चुभता है, तो क्या करे, गुलाब को तो पकड़ना ही होता है। पार्टीज हैं, उनमें अध्यक्ष बदलते हैं, उनमें सेक्रेटरीज बदलते हैं। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब बनी थी आप प्रमुख थे और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुख बने हुए हैं, अभी किसी और को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला? नहीं, वो आई डोंट हैव दैट रिचर्ड डेमोक्रेसी इन माय पार्टी। वो हम ही रहेंगे जब तक मैं हूँ, और ये चुनाव बिना वगैरह मुझे पसंद नहीं, ये चुनावी बातें तो मैं ना मानता नहीं, और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड। तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? नहीं, लोकतंत्र क्या होता है, गुटबाजी एंड गुट ये सब चलते, ओनली ग्रुपिज्म, दैट इज लोकतंत्र के।